ये हिस्सा बड़े सरदार का है। पैरव, एक बात समझ नहीं आती, सर पर कफन बांध के टाके हम डालें और आधा हिस्सा बड़े सरदार ले जाकर क्यों? मिर्चो, खबरदार जो दोबारा ऐसे लफ्ज जबान से निकाले, क्यों भूल जाए तो एक सरदार के हम लोगों पर कितने एहसान हैं। सरदार आ गए। सरदार की जय हो, 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 जय हो। आओ सरदार, मैं तो सिर्फ नाम का सरदार हूं, असली सरदार तो तुम हो शेर सिंह। नहीं सरदार, जरा सोचो, अगर तुम मुझे अपनी पनाह में नहीं लेते, मुझे पुलिस से नहीं बचाते, तो आज खुली जगह में सांस लेने के बजाय मैं किसी जेल की कोठरी में होता। यहां मौजूद हर आदमी पुलिस के डर से भागा हुआ है। पनाह मैंने बहुतों को दी है, लेकिन तुम मेरे सबसे बहादुर और वफादार साथी। जिस तरह हम वफादारी की कदर करते हैं, उसी तरह हमारे सामने सर उठाने वाले को जिंदा भी नहीं छोड़ते। बेचारा बिरजू कितना खुश था कल से, सारे गांव में मिठाई बांटने की सोच रहा था। खबर मिली थी कि कल उसके घर पे लड़का हुआ है, बजाय लड़के का मुंह देखने के मौत के मुंह में चला गया। लड़का हुआ है, दुगनी निशान दूंगी बाहर। अरे दुगनी क्या, दाई मात चौगनी मिलेगी चौगनी। तो मेरी साड़ी भी पक्की? हाँ मेरी बहन, तेरी साड़ी बिल्कुल पक्की। अरे बेटे जल्दी मिल ले, तेरी गाड़ी का टाइम हो रहा है। बापू आज सचमुच यकीन हो गया आप सूबेदार थे, आपको बाप से ज्यादा फौजी की ड्यूटी का पता है। मैं जरा देख लूं कि बेटा बाप पे क्या, माँ पे। मैं आता हूँ। अरे गंगा, ये बिल्कुल तुझ पे गहरी। गंगा, ए गंगा, मैं तेरा ऐसा जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये क्या, आप वर्दी में? क्या गंगा के जंग छिड़ गई है ना, माँ का बुलावा है। यूं समझने के मैं तेरे माँ होने के इंतजार कर रहा था। अरे ये क्या, माँ के बुलावे पर माँ होकर रो रही है? पता नहीं क्यों, जब भी हम दोनों की जिंदगी में खुशी आती है, आपको बुलावा आ जाता है। शादी के दूसरे दिन ही हम चले गए थे। पर जानते क्यों, भगवान चाहता है कि हमारा प्यार बढ़े, दूर रहने से प्यार बढ़ता है ना। गंगा नहीं, कहाँ खो गए भैया? ओ मैं भैरव, आज गंगा और मुन्ना की याद आ गई। अब तो करीब 5 साल का हो गया होगा मुन्ना। मुन्ना 6 साल का हो गया और मेरी बहन की बेटी 4 साल की। भगवान हिम्मत, तुम जमाने से जंग लड़ रहे हो तो वो बिचारी अपने आप से लड़ रही। करो, कभी कभी सोचता हूं ये जंग कब खत्म होगी। भगवान पर भरोसा रखो भैया, उसने जंग शुरू कराई है तो खत्म करने का रास्ता भी वही दिखाएगा। शेर सिंह, क्या बात है? अरे माथे पर इतना पसीना? ये पसीना नहीं है सरदार, ये मेरी आत्मा के आंसू है जो आज के एक गुनाह के डर से छलक पड़े हैं। जिस इंसान के शरीर में डर नाम के नस ना हो, वो आज ऐसी बातें कर रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? मेरे अंदर का इंसान पिंजरे में बंद पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है, इसे सुकून चाहिए और वो सुकून प्रायश्चित से मिलेगा। सरदार मैं पापी हूं और जब तक मैं अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा, कभी चैन नहीं मिलेगा।
मरकर भी नहीं। कहां जा रहे हो शेर सिंह? अपने आप को कानून के हवाले करने। पागल हो गए शेर सिंह, तुम क्या समझते हो सजा भुगतने के बाद तुम इज्जत की जिंदगी जी सकोगे? नहीं, मरते दम तक डाकू के नाम का ठप्पा तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। शेर सिंह, मेरे पाप का प्रायश्चित जिंदगी नहीं सरदार, मौत है जो सजा के तौर पर कानून मुझे देगा। तुम यहां से नहीं जा सकते। किस माई के लाल में हिम्मत है जो आज मुझे रोक सके? है किसी में हिम्मत? हिम्मत है तो आओ रोक लो मुझे। शेर सिंह, मेरे पास आने वाला आता अपनी मर्जी से, लेकिन यहां से जाता है सिर्फ मेरी मर्जी से, वो भी भगवान के पास। सरदार, तुम्हारे मुझ पे एहसान ना होते तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त ऊपर पहुंचा देता। एहसान फरमाओ। दौलत सिंह, मैं चाहूं तो तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन तेरे उस एक एहसान के बदले जो तूने पुलिस से बचाकर मुझ पे किया था, मैं तेरी जान बख्शता हूं। लेकिन आज से तेरे उन एहसानों का खाता बंद करता हूं। डरो नहीं, एक वादा करके जाता हूं कि तुम्हारा और तुम्हारे गिरोह का नाम मेरी जबान पर कभी नहीं आएगा। अगर जिंदगी प्यारी है तो चला जाए यहां से। इससे पहले कि मेरा खून खौल जाए तुम सब चले जाओ यहां से। घबराने की बात नहीं, मामूली जख्म है, हल्दी गर्म करके लगा दीजिए। आइए अंदर आइए।
भैया क्या हुआ भैया को? तुलसी जल्दी जा हल्दी गरम करके ला। सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इन जख्मों का हिसाब चुकाने जा रहा हूँ। चौधरी ओ चौधरी कौन है? शेर सिंह, बरसों बाद तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। जिन पापों की याद से पीछा छुड़ाने के लिए हमने 14 साल पश्चाताप किया उसका एक नमूना आज सामने देख लेने से हमें कितना दुख हो रहा है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते दौलत सिंह। यहां लोग हमें चौधरी साहब के नाम से जानते हैं। अच्छा, और मुझे भी लोग बहादुर सिंह के नाम से पुकारते हैं। मगर हम दोनों के पुकारे जाने में एक फर्क है। तुम्हारा 14 साल का पश्चाताप इस बात का सबूत है कि तुम डाकू शेर सिंह थे जिसने अपना नाम बदलकर बहादुर सिंह रख लिया है। लेकिन मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि मैं दौलत सिंह था या हूं। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और अपने आप को कानून के हवाले न किया होता तो आज मेरी तरह तुम भी इज्जत का चोला पहनकर शान की जिंदगी बसर कर रहे होते। तुमने अपने कपड़ों को उजला किया है दौलत सिंह, बल्कि यूं कहो कि दौलत की चादर से तुमने अपने गुनाहों को ढांप लिया है। लेकिन मैंने अपने पश्चाताप से अपनी आत्मा को उजला किया है, अपनी आत्मा को जगाया है। इधर देख, ये खून देख रहे हो? ये खून मेरे बेटे का है। आज से कुछ साल पहले ऐसा ही खून मैंने अपनी मां का देखा था, अपने बाप का देखा था, अपनी बहन और अपने बहनों का देखा था। उसने वो खून देखकर मेरा खून खौल उठा था, मैंने खून की नदियां बहा दी थी। आज भी मैं खून की नदियां बहा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि 14 साल की इस तपस्या ने मुझे इतना सिखाया है कि बदले की भावना का कोई अंत नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारी बुजदिली है तो? अरे पूजा कर इस बुजदिली की, जिसकी वजह से तू, तेरे साथी, तेरा ये घर बच गया, वरना मेरे गुस्से का कहर तुम सबको जलाकर खत्म कर देता। और एक बात और सुन लो दौलत सिंह, मेरा बेटा मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। किसी ने उसके प्यार के बीच में आने की कोशिश की, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। धमकी मैं भी दे सकता हूं शेर सिंह। तुम धमकी नहीं दे सकते। क्यों भूल रहे हो कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं? तुम्हारे एहसानों की जिस लक्ष्मी रेखा ने 14 साल तक मेरी जबान को बंद रखा, वो जबान खुल भी सकती है। और जिस दिन वो जबान खुल गई ना, कश्ती पलट जाएगी। डूबेगा तो, क्योंकि पश्चाताप ने मुझे तैरना सिखा दिया है। कल तेरी बहन की सगाई है विजय, और जिस बहन का भाई लड़की को भगा कर ले जाए उस घर में बारात नहीं आती बेटे, उस घर में बदनामी आती है। सब सुन लिया है। आरती इस घर में जरूर आएगी, लेकिन बहन बाजे के साथ। लेकिन मेरे डैडी ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हारे डैडी वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। हराम खोर, आरती जी घर से गायब कैसे हो गई? जीवा, हम जानते हैं तुम हमारे वफादार हो, लेकिन इज्जतदार घरों का धुआं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। धुएं से इतना ही डर लगता है, वो आग को जलने ही मत दो।
खासतौर पर मोहब्बत की हक को। तुम यहां कैसे आ गए? कैसे आया? तुम्हारे घर की इज्जत को वापस करने। आरती अंदर आओ। इतनी रात को तू कहां गई थी? विजय के पास। बेशर्म! प्यार करने वालों पे हाथ नहीं उठाते चौधरी। ये मेरे बेटे की पसंद है। कौन कहता है? मैं कहती हूँ। आरती, मैं इनके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। मेरे चीते जी, ये कभी नहीं हो सकता। बाप के आशीर्वाद बिना ये शादी नहीं हो सकती चौधरी। इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। औलाद के अच्छे बुरे का फैसला उसके माँ बाप करते हैं। फैसला करने वाले आप और हम कौन हैं? फैसला तो इन दो प्यार भरे दिलों ने कर लिया है जो एक दूसरे को चाहते हैं। एक बात सुन लो चौधरी, जब तक मैं विजय की बारात लेकर नहीं आ जाता तब तक आरती तुम्हारे पास हमारी अमानत है। एक पुराना दोस्त होने के नाते ये भरोसा लेकर मैं यहां से जा रहा हूं। अरे हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गया, कल हमारी तुलसी की मंगनी है। मैं जानता हूं आप वहां नहीं आए, लेकिन आरती का वहां आना बहुत जरूरी है। उम्मीद है निराश नहीं करें। पुलिस वाला शेर सिंह, अब पासा पलट चुका है। हमने चौधरी की गद्दी छीन ली है और सरदार बनने की खुशी में हम कुछ तमाशा देखना चाहते हैं। इस पुलिस वाले ने बहुत डाकू मारे हैं और ये ढक्कन का तुम्हें भी मारना चाहता है। तुम्हारी बहादुरी के भी हमने बहुत किस्से सुने हैं, क्यों ना आज तुम दोनों में मुकाबला हो जाए? कुत्ते, वक्त का नाजायज फायदा मत उठाओ। सब जानते हैं मैं इसमें हाथ नहीं उठा सकता, और ये भी जानता है कि मैं इसमें हाथ नहीं उठाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अबे ढक्कन के उधर देख। शेर सिंह, जब तक तुम दोनों के हाथ चलते रहेंगे तब तक मेरा आदमी अपना हाथ रोके रहेगा, और जहां तुम दोनों के हाथ रुके मेरा आदमी रस्सी खींचेगा, तलवारें निकलेंगी और तुम्हारा बेटा जिंदगी भर के लिए फुदकना बंद कर देगा, यानी कि उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। बेटे के लिए तो लड़ोगे ना शेर सिंह? हथियार उठाओ शेर सिंह। शेर सिंह, हथियार उठाओ। हथियार उठा ही लो शेर सिंह। माफ कर देना।